टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आज मुंब्रा के चांद नगर आमिनाबाद में पानी की टंकी जो बनाई गई थी, उस टंकी से कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफें थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है। लोगों ने इसी की वजह से खुशी में एनसीपी के यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान सत्कार किया। वहीं कुछ औरतों ने पानी के लिए जहां बधाई दी तो गटर नाले साफ न होने की वजह से शिकायत भी की है। चांद नगर में बारिश का पानी काफी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मगर वहीं शहर यूनुस शेख ने नाले और गटर की साफ सफाई का काम जल्दी ही पूरा करने का भरोसा लोगों को दिया है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में शहर शेख यहां से उम्मीदवार है और चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और इनके द्वारा किए गए कामों को कुछ लोग राजनीति की नज़र से भी देखते हैं, मगर वहीं कुछ लोग इनके द्वारा किए गए कामों की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। बहरहाल सम्मान सत्कार के बाद यूनुस शेख और शहर शेख ने क्या कुछ कहा। आज भाई आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दरअसल ये किस लक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, ये अमीनाबाद क्षेत्र जिसके अंदर चपीका, नूर कंपाउंड, बाबूभाई चाल वगैरह इस तरह के ये सारे लोग थे, ये काफी सालों से इनका पानी का काफी मसला चल रहा था, जो मुमरा कौसा में किसी से छुपी हुई चीज नहीं है, बड़े से छोटा हर नेता को पता था। तो माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब तक हमने इनके मसलों को पहुंचाया। पिछले साल इन्होंने बाहर निकल के पानी की टाकी पे मेरे साथ आंदोलन किया, महापालिका ने उस पानी की टाकी को फौरी तौर पर तैयार करके 12वें रमजान को बड़ी मेहनत और कोशिशों से पूरी एनसीपी की टीम और अमीनाबाद के लोगों की और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के सपोर्ट से हमने यहाँ पर 12वें रोजे को उस सम पंप से पानी शुरू कर दिया, जिसमें 3 से 5 बजे इनको पानी मिलता है। दूसरा, ये न्यू ट्रांसफार्मर की काफी साल से इनकी मांग थी, जो मंत्री महोदय ने अपने इलेक्शन के टाइम यहाँ वादा करके गए थे कि मैं इलेक्शन जीतते ही 2 महीने 1 महीने के अंदर ये ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। उसके बाद को लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा लेट हो गया, मगर आज वो ट्रांसफार्मर वहां पर इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे छोटे मोटे जो भी इनके मसले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हल किए, तो इन लोगों की ये खुशी और इन लोगों ने हम लोगों को बुलाकर हमें इज्जत अफजाई की और अपने और कुछ मसलों से आगाह किया जो हम आगे जाके हल करेंगे। जिस तरह से पीने का पानी का मसला यहाँ पर था तो आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन कहीं ना कहीं जितना पीने का पानी का मसला यहाँ था उतना यहाँ बारिश के पानी का भी मसला है कि पानी यहाँ से निकलता नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी औरतों ने उसी को लेकर आपको शिकायत भी की है, गटर नालों को लेकर, तो इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? इस पर अभी हम जो गटर नाले साफ करने का जो डिपार्टमेंट है थाने महानगर पालिका के अधिकारी है उनको लेकर बिफोर टाइम हमने नाला सफाई शुरू कर दिया है, ताकि पीछे से ही अगर नाला जाम होगा तो आगे ऑब्वियसली वो जाम होने वाला है, तो हम वहाँ से नाला सफाई का काम हमने शुरू कर दिया है। प्लस ये जो नया ट्रांसफार्मर लगा है उसके सामने जो है वो थोड़ा वो जो गटर नया बना है बड़ा नाला नाला जो बना है वो नाले की वजह से उसका खुदाई का जो मट्टी निकली है उसका स्तर बड़ा हो गया है और पीछे की चालियां नीचे चले गई है। तो मैंने ये मांग की है उस कॉन्ट्रैक्टर से भी कहा है कि आप इसको जो चालियों के लेवल में लेके आओ ताकि बारिश में वहाँ का पानी उनकी चाली में नहीं जाए। हम हमारी पूरी जी तोड़ कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, और अगर अल्लाह नहीं करे कुछ तकलीफ होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं इधर हमेशा। क्या कहिए आप, इस तरह से यहाँ सत्कार किया गया आप लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के इस काम को जो है मुमरा शहर में एक चुनावी स्टैंड से भी देखा जाता है। चुनावी स्टंट का तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी उस पर, क्योंकि लोग वो हमेशा बोलते हैं और वो एक फ्रेज बन गया है कि इलेक्शन आता है तो काम करते हैं, चुनावी स्टंट है, बट इलेक्शन आते रहते हैं, काम होते रहते हैं, और इलेक्शन के पहले काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। मीडिया इलेक्शन के पहले एक्टिव होती है मुझे ये लगता है, तो उनको पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, मीडिया थोड़ा सोरी होती है वो टाइम पे। मीडिया तो हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन खासतौर पर कवरेज कम होता है, नेता जो है उसी टाइम पर जगते हैं जब उनके सर पर चुनाव आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेता जब जगते हैं जब लोग आके उनसे मदद मांगते बोलते कि ये जरूरतें हैं, अब वो ये नहीं देखते कि इलेक्शन के टाइम लोग आ रहे हैं। करीब
10 दिन 15 दिन पहले से वो एक गटर नाले को लेकर शिकायत कर रही, लेकिन साफ नहीं हुआ। उन्होंने आज शिकायत हमारे पास लाई है, 10 दिन पहले वो नहीं लेकर आए, और शिकायत हमारे पास आज आई, हम कल इंशाल्लाह के उनका काम देख लेंगे कि क्या है, उसके बाद हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो अभी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से जो गटर नालों का काम है इसको लेकर किस तरह से आप? तो गटर नालों का जो डिपार्टमेंट है उसको हमने कांटेक्ट करके ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है क्लीनिंग का, क्योंकि जैसे बारिश का सीजन आने वाला होता है सारे गटर भर जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए हमने पीछे से काम स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसे बताया गया कि पीछे के ब्लॉकेजेस हटाएंगे तो आगे वो पानी क्लियर होगा, नहीं तो आगे भी जैम होता रहेगा। तो मेन जड़ को ही पहले क्लीन करना पड़ता है, और वो काम स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद देखेंगे अब आगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे स्पीड से जो स्पीड से काम चल रहा है उसके हिसाब से होगा सब कुछ। से बहुत सारे मसलों के हल आ गए हैं, हम लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जिस तकलीफ का अभी हम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। हम लोग बहुत सुकून से पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा है, वरना पिछले रमज़ान हम लोगों को रोजे रख कर पानी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जो इस साल हम लोगों को ज़रा भी पता नहीं चली। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी की बहुत सारी जो परेशानियाँ थी, आगे आने वाले लोग भी आधी आधी रात तक का पानी की लाइन लगाते थे, उन लोगों को भी आसानी मिल गई है। हम लोग बहुत खुश हैं इनके आने से, और हम चाहते हैं कि यही हमारे लिए आगे रहे। पानी का जो समय है क्या जी, टाइम पर पानी है? हाँ जी, पानी आता है, कभी कभार कुछ मसले होते हैं, वॉल वगैरह टूटा है या कुछ लाइन की लीकेज है उसमें नहीं आता है, उसके बाद जो टाइम है वो टाइम पर पानी आता है, और अच्छा पानी है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है।